आज की तारीख है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर का दिन हम क्रिसमस के तौर पर जानते हैं। दरअसल क्रिसमस ईसाई धर्म का एक उत्सव है जो 24 दिसंबर की पूर्व संध्या पर आरंभ होता है। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन और आप देख रहे हैं ऑन दिस डे। ऑन दिस डे के माध्यम से मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले जाता हूं। आखिर कौन सी वो घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में आज की तारीख में लिखी गई हैं, दर्ज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 दिसंबर 1892 का जिक्र करें तो स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य स्थित चट्टान पर 3 दिन तक साधना की गई थी। स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी में समुद्र के बीच में दरअसल चट्टान पर 3 दिन तक साधना आज ही के दिन की थी। इसके अलावा 25 दिसंबर 1924 का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला अखिल भारतीय कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस कानपुर में आज ही के दिन संपन्न हुआ था। तारीख थी 25 दिसंबर की, साल था 1924 का। वहीं 25 दिसंबर 1947 का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने झनगढ़ को कब्जे में आज ही के दिन लिया था। 1947 में पाकिस्तानी सेना ने झनगढ़ को अपने कब्जे में लिया था 25 दिसंबर को। वही 25 दिसंबर 1974 का दिन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रोम जा रहे एयर इंडिया के विमान बोइंग 747 का आज ही के दिन अपहरण हुआ था और यह इतिहास के पन्नों में दर्ज घटना है 1974 की 25 दिसंबर की, जब रोम जा रहा था एयर इंडिया का विमान बोइंग 747 जिसका अपहरण कर लिया गया था। वहीं 25 दिसंबर 1977 को हॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता चार्ली चैपलिन का निधन हुआ था। आज ही की वो तारीख थी 25 दिसंबर की, साल था 1977 का, जब हॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता चार्ली चैपलिन का निधन हुआ। वहीं 25 दिसंबर 2002 का दिन जो था वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है क्योंकि चीन और बांग्लादेश के बीच आज ही के दिन रक्षा समझौता हुआ था, रक्षा सौदा हुआ था। साल था 2002 का, तारीख थी 25 दिसंबर की। वहीं 25 दिसंबर 2005 की तारीख भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मॉरिशस में 400 साल पहले विलुप्त डोडो पक्षी का 2000 वर्ष पुराना अवशेष आज ही के दिन मिला था। साल था 2005 का और तारीख थी 25 दिसंबर की। चलिए अब रुक कर लेते हैं आज के दिन जन्मे व्यक्तियों का। दरअसल 1876 को 25 दिसंबर की तारीख में ब्रिटिशकालीन भारत के प्रमुख नेता और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ था। आज ही के दिन मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म होता है। 1876 को जन्म हुआ था और तारीख थी 25 दिसंबर की। इसके अलावा 25 दिसंबर 1924 को भारत के 10वें प्रधानमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्म हुआ था। 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। इसके अलावा 25 दिसंबर 1959 को भारत के राजनीतिक रामदास अठावले का भी जन्म होता है। अठावले दरअसल महाराष्ट्र से आते हैं। 1959 को 25 दिसंबर की तारीख को इनका जन्म हुआ था। चलिए अब हम एक नज़र डालते हैं आज के दिन कौन ऐसी शख्सियत थी जो हमें छोड़कर चली गई थी, जिनका निधन हुआ था। 2015 25 दिसंबर की तारीख भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री साधना का आज ही के दिन निधन हुआ था। तारीख थी 25 दिसंबर की, साल था 2015 का। तो फिलहाल आज 25 दिसंबर से जुड़ी हुई इतिहास से मैंने आपको रूबरू कराया ऑन दिस डे के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करते हैं आप तक 25 दिसंबर से जुड़े हुए इतिहास जानकारी जरूर पहुंची होगी। नमस्कार।